ये जो तुम्हारी कथा है ये भी अमृत स्वरूपा है। विरह के सताए हुए लोगों के लिए वह जीवन सर्वस्व ही है। वह बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप को मिटाती है। यह साथ में ही श्रवण मात्र से परम मंगल पर परम मंगल कल्याण दान देने वाली है। वह परम सुंदर परम मधुर बहुत ही विस्तृत है। जो तुम्हारी इस लीला का कथा गान करते हैं वास्तव में यथार्थ में वो लोग ही भूलोक में सबसे बड़ा दान देते हैं, वही सबसे बड़े दाता हैं। आपके बिना आपकी कथा ही आपके प्रेमियों के लिए सर्वस्व है और जीवन दाता है। बोलो राधे राधे। इस गोपी गीत के 19 श्लोक हैं जिनमें से आपने अभी मात्र 9 सुने। पूरा सुनाऊंगा तो अधिक समय लग जाएगा। इच्छा तो है मेरी कि किसी दिन ऐसा अवसर मिले कि पूरे 19 गोपी गीत के जो श्लोक हैं सिर्फ उन्हीं पर चर्चा की जाए। जिस दिन ठाकुर जी चाहेंगे उस दिन ये मौका जब मिलेगा तो अवश्य आप लोगों को, यहाँ के लोगों को टीवी के माध्यम से सुनने का मौका जरूर मिलेगा एक दिन, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी क्योंकि हमें रुक्मणी विवाह तक चलना है और जैसा मैंने कहा कि जो भगवान के विवाह में शामिल होते हैं उनके घर में नित्य मंगल होता है। बोलो राधे राधे। तो आप लोग सब बैठे रहेंगे, आज थोड़ा समय ज्यादा लग भी जाए तो परवाह नहीं। समय तो भगवान का है, धिक्कार है उस समय के लिए जो दुनिया में मिट जाता है, और धन्य है उस समय के लिए जो भगवान की कथा सुनते सुनते निकलता चला जाता है। और वो समय हमारे जीवन का बहुमूल्य है और अनमोल है, अनमोल है। गोपियों के इस गोपी गीत के बाद श्री कृष्ण वहां पहुंचे और गोपियों से क्षमा याचना की, गोपियों मुझे क्षमा कर दो जो मैं तुम्हें छोड़ के चला गया। क्यों गया ये बताया नहीं श्री कृष्ण ने, और ठीक भी नहीं है। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था कि कृष्ण हमारे को क्यों छोड़ के गए। भगवान हर उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं जिसके हृदय में अभिमान आ जाता है या जो भगवान के लायक नहीं, जो पापिष्ट है, पापी है, भगवान उसे कभी अपना नहीं बनाते हैं। अगर आप और हम चाहते हैं कि हम भगवान के बने रहें तो इसके लिए जरूरी है पाप से दूरी हो, कथा से नजदीकी हो। आप जो यहाँ बैठे हो ना, आप सब पुण्यात्मा हो और ये पुण्यात्मा एक दिन मेरा ठाकुर आपको याद जरूर करेगा, एक दिन मेरा कन्हैया आपको अपना जरूर बनाएगा। अब भाई अर्जुन जी का धन्यवाद बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी इस सारे सुकृत के अधिकारी तो हमारे अर्जुन जी हैं जिन्होंने इतने स्वर्ग में आकर यहाँ वैकुंठ उतार दिया है। तो आप सब एक बार जब कथा कल पूरी हो तो इनके लिए शुभकामना आप सब जरूर करना कि जिस मनोरथ से ये कथा सुन रहे हैं इन्होंने ये यज्ञ कराया है, मेरा ठाकुर इनके मनोरथ को अवश्य पूरा करे। और ये सब आपकी जिम्मेदारी है, आज नहीं कल जब कथा पूरी होगी, अभी नहीं, अभी तो मैं आपको याद है और रिमाइंड करे कल आपको ऐसा करना है। और कल जिन्होंने एक आध दिन कथा मिस कर दी है, जो टीवी पे सुन रहे हैं वो कल और परसों दो दिन मुझे दीजिए यहाँ आके कथा पंडाल में। भीड़ बहुत है, पंडाल से बाहर बहुत है, पंडाल के भीतर कम पंडाल के बाहर ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, दो दिन कष्ट नहीं उठा सकते क्या? बिल्कुल उठाएंगे। आप जिन्होंने कथा को एक आध दिन मिस कर दिया है उन्हें भी सात दिन कथा सुनने का लाभ कल मिलेगा, और जिन्होंने पूरी सुनी है उन्हें दो बार भागवत कथा सुनने का लाभ कल मिल जाएगा। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल यहाँ पधारे, और परसों की बात कल करेंगे। अभी बोलेंगे, इतने धीरे बोल रहे हो लोगों को लगेगा कि वहां कोई है ही नहीं। कितने लोग हैं, आज तो मेरा स्टेज भी कवर कर रखा है इन लोगों ने, हैं? मेरे स्टेज पे कवर करके बैठे हैं भैया, कर लो तुम्हें यहाँ इजाजत है, और कहीं आते ना बच्चे मौका नहीं मिलता है? लेकिन आपने ये बहुत अच्छा, स्टेज कवर है, ग्राउंड कवर है, ग्राउंड आउट ऑफ पंडाल कवर है, और फिर सब राधे राधे, लेकिन आप फिर भी इतने धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो। नहीं लग रहा जैसे प्यार का सागर एकदम बहुत ऊंची लहर लेकर आया हो? बहुत ऊंची लहर लीजिए एक बार और,
अब बताओ पहले दिन वाला ही आनंद है ये? ये आनंद डिफरेंट है। मैंने कहा था ना, धर्म अधर्म जो है वो एक साथ बढ़ जाता है और धर्म धीरे धीरे बढ़ता है। और ये हमारा धर्म पहले दिन इसका रूप छोटा था, दूसरे दिन बड़ा हुआ, आज छठे दिन पहुंचते पहुंचते देखिए कितना विशाल रूप हो गया है, और कल फिर देखिएगा, परसों फिर देखिएगा। ये तो धर्म है, जब बढ़ने लग जाता है ना फिर घटने का नाम नहीं लेता, ये तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है ना, पूर्ण होता है वो, वैसे ही सातवें दिन ये कथा में पूर्ण आनंद की वर्षा होती है। तो मेरे भाई बहन, कृष्ण 11.5 बरस ब्रज में रहे और उसके बाद मथुरा श्री कृष्ण, क्योंकि समय कम है और अभी हमें कथा पहुंचानी है रुक्मिणी विवाह तक, तो इसलिए अल्प में ही जिस समय श्री कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़कर जाने लगे तो गोपियां कहती हैं, कृष्ण जाने से पहले जरा बता तो दे कि हम जिएंगी कैसे, अब तेरे बिना जिया कैसे जाएगा। श्री कृष्ण सभी ब्रज गोपियों को, ब्रजवासियों को बिलखते हुए छोड़कर मथुरा गए। क्यों? क्योंकि भगवान को धर्म का कार्य करना है। देखिए, जो लोग धर्म को बचाने के लिए आगे आते हैं वो भगवान के पद चिन्हों पर चलते हैं। हम लोग भगवान कभी नहीं बन सकते क्योंकि हम उस लायक नहीं है। आत्म कल्याण होगा कि भी नहीं होगा पता नहीं, लेकिन भगवान ने एक बात जरूर कही, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतः। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं और आज मैं आप सबका आवाहन अपने धर्म को बचाने के लिए करता हूं। हे मेरे भाई बहन, आओ हम सबको भी कृष्ण की तरह उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपने धर्म की रक्षा करने की शपथ लें, आगे बढ़ें। और अगर आप कुछ भी करने लायक नहीं हो तो आज आप अपने भगवान से जो प्यार करते हो ना, आपको उस प्यार की कसम, आज अभी इसी वक्त से एक काम करना बंद कर दो, एक तो धर्म की निंदा करना बंद कर दो और एक धर्म की निंदा सुनना बंद कर दो। ये काम तो अभी इसी वक्त से शुरू कर दो। अगर तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है, तुमने अगर वाकई हिंदू मां का दूध पिया है, अगर तुमने एक सेकंड भी कृष्ण से सच्चा प्यार किया है, तो आज इसी वक्त से धर्म की निंदा सुनना बंद कर दो, चुगली करना बंद कर दो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुमसे बड़ा पापिस्ट कोई नहीं, फिर अपने आप को धर्मात्मा मत कहना, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। और अगर तुम चाहते हो कि हमारा धर्म ऐसे ही आगे बढ़े, तो जो सक्षम है ना, आओ मेरे कदम से कदम आगे बढ़ाओ, चलो मेरे साथ, हम और आप चलते हैं अपने धर्म की ध्वजा को हाथ में लेकर। और जब तक जान में जान रहेगी तब तक इस पताका को, तब तक इस झंडे को हम नीचे नहीं आने देंगे। जैसे हमारे भारत के नौजवान शहीदों ने अपनी जान देकर भी तिरंगे की लाज रखी है, वैसे हम लोग भी अपनी जान देकर अपने धर्म की रक्षा करते रहे, धर्म की रक्षा करते रहे। शहीदी में क्या आनंद मिलता है, कोई शहीदों के परिवार से जानो, जो गद्दी पर बैठ जाएं बिना कुछ किए सुने, उन्हें क्या पता कि सत्ता का, शहीद का क्या फल है। जो पाप करते उन्हें क्या पता धर्म की रक्षा में क्या आनंद है, ये तो वो जानते हैं जो धर्म करना जानते हैं। अरे जिस भगवान की तुम कथा सुनते हो, जिसे प्यार करते हो, वो आता है सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए आता है वो। और उसी धर्म की निंदा करके भगवान पे 11 रुपए का भोग लगाकर प्रसन्न करना चाहता है, बैर जी को फूल बंगला बनाकर प्रसन्न करना चाहता है, एक परिक्रमा लगाकर प्रसन्न हो जाएगा वो। अगर तेरी वजह से एक व्यक्ति भी नास्तिक हो गया ना, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। एक व्यक्ति भी तेरी वजह से नास्तिक हो गया तो, मुझे मालूम है ऐसे लोग मेरी बात को पसंद नहीं करेंगे, बट आई डोंट केयर। यार कौन केयर करता है तुम्हारी, भाड़ में जाओ भट्टी में निकलो, तुमसे बात भी कौन करना चाहता है। जो धर्म के लिए न जिए उसे देवकी नंदन कभी बात करना पसंद ही नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हम लोग तुम्हारे गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए, अपन तो ठाकुर की गुलामी करने के लिए पैदा हुए, धर्म की गुलामी पैदा कर रहे हो इसलिए हुए हम। मैं तो कहूंगा आप भी मेरी तरह मेरा स्टाइल अपना लो और करो धर्म की गुलामी,
करो गोविंद की गुलामी और फिर तुम्हें दुनिया की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। आई प्रॉमिस दुनिया तेरे पीछे पीछे होगी और तू दुनिया में सम्मान का पात्र होगा, मेरा विश्वास है, ऐसा पक्का विश्वास। श्री कृष्ण ने कंस को मारकर धर्म की स्थापना की, लेकिन जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की और जब 17 बार चढ़ाई की तो 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कहा तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो ध्यान रखना तुमको मैं मृत्यु दंड दूंगा सबको, तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो। और भगवान का अवतार गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान काय का जन्म लेते भगवान क्यों? बोले गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। पहले राजा लोगों का कर्तव्य होता था गौ ब्राह्मण की रक्षा करे और आजकल के राजा न तो प्रजा सोचती है कि गौ ब्राह्मण की रक्षा हो और राजाओं के बारे में तो सोचना बेचारे, बोले उनको थोड़ा चुनाव लड़ना होता है, वो जो करना पड़ता है उनको, ऐसा तो अभी आप राधे राधे बोले जोर से।